नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल अंजू की रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आप सबके लिए छोले भटूरे। तो सबसे पहले मैं यहाँ भटूरे का आटा लगाऊंगी। मैंने यहाँ एक बड़ा बर्तन लिया है, इसमें मैदा डालूंगी। बीच से थोड़ी सी जगह बना लेंगे। साथ ही मैं इसमें एक कटोरी दही डालूंगी, आधी कटोरी सूजी, एक चम्मच नमक, एक चम्मच चीनी, साथ ही मैं इसमें एक चम्मच बेकिंग पाउडर का यूज़ करूंगी। और मैंने यहाँ पे एक छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स का यूज़ किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप करें। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। और जो हमें मैदा है वो सख्त नहीं सानना है, थोड़ा सा सॉफ्ट रहे ताकि जो भटूरे हैं वो अच्छे से फूलें। तो भटूरे का आटा लग के तैयार है। मैंने इसे बहुत सख्त नहीं, सॉफ्ट ही गूदा है। और मैंने चिली फ्लेक्स का यूज़ किया है क्योंकि तलते समय थोड़ा सा रेड रेड लगे तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आटे को मैं एक घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। इसे हम ढक देंगे। तो जब तक भटूरे का आटा रेस्ट कर रहा है मैं छोला बना के तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने पहले से ही यहाँ पर काबली चना उबाल के रखा था। मैंने उबालते समय ही इसमें एक बड़ा चम्मच नमक का यूज़ किया है ताकि जो नमक है वो चने में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए छोला बनाना शुरू करते हैं। तो छोला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक बड़ी कढ़ाई ली है क्योंकि आज मैं अपने पूरे परिवार के लिए छोले भटूरे बना रही हूँ और ये रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो कढ़ाई गर्म है। अब मैं इसमें एक कटोरी सरसों तेल डालूंगी। तेल को हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। मैं सारे इसमें खड़े गर्म मसाले यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ दो तेज पत्ता, दो बड़ी इलायची, एक चम्मच जीरा, लगभग मैंने 20 काली मिर्च लिए हैं और मैंने यहाँ 7 लाल साबुत मिर्च लिया है। और ये जो मसाला ही है छबीला, इससे छोले में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और एक टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है, मैं इसमें सारे खड़े मसाले डाल दूंगी। अब मैं इसमें चॉप किया हुआ प्याज डालूंगी। मैंने यहाँ 6 बड़े प्याज को चॉप किया है। इन सबको हम अच्छे से चला लेंगे। आप चाहें तो प्याज के आप पेस्ट बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे चॉप करके डाला है। आंच को मैंने मीडियम ही रखा है, फुल नहीं किया है। तो प्याज को मैं यहाँ ब्राउन होने तक अच्छे से भून लूंगी। इसे हम ढक देंगे। प्याज चेक कर लेते हैं। तो प्याज अच्छे से भून चुका है। जो प्याज का कच्चेपन की खुशबू होती है वो बिल्कुल नहीं है इसमें। मैंने यहाँ 4 टमाटर की प्यूरी बनाई है, साथ ही मैंने एक टुकड़ा अदरक और कम से कम 20 कलियाँ लहसुन की डाली हैं। मैं इसकी प्यूरी इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें एक चम्मच हींग का यूज़ करूंगी, साथ ही एक चम्मच हल्दी डालेंगे इसमें हम। और मैंने छोला उबालते समय ही इसमें नमक डाला था तो मैं ज़्यादा नमक नहीं डालूंगी, सिर्फ एक छोटा चम्मच डालूंगी। इन सबको हम चला लेंगे। प्याज चॉप करके डालने से जो छोला है वो बहुत ही लटपट बनता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो टमाटर को हम अच्छे से पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक ढककर। तो चलिए टमाटर चेक करें कि पका कि नहीं। तो टमाटर से ऑयल सेपरेट हो गया है, इसका मतलब है जो हमारा टमाटर और प्याज है वो अच्छे से पक चुका है। इसको हम चला लेंगे। अब बारी है इसमें मसालों की। तो मैंने यहाँ पे एक चम्मच सब्जी मसाले का यूज़ किया है, मैंने इसमें छोले मसाले का नहीं यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें छोले मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक चम्मच मसाले का यूज़ किया मैंने, मैंने इसे बहुत मसालेदार नहीं बनाया है। मसाले को हम सिर्फ 2 मिनट तक भूनेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं और मसाले भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं। देखिए मसालों का कलर। अब मैं इसमें डालूंगी काबली चना जो मैंने पहले से ही उबाल के रखा था। मसाले और चने को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पलटे की मदद से जो चने हैं मैं थोड़े से ऐसे मैश कर दूंगी क्योंकि मैंने मसालों का बहुत यूज़ नहीं किया है। इससे क्या होगा कि जो चने हैं, जो छोला है वो थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा। तो पलटे की मदद से ही थोड़े से चने इसमें मैं मैश करूंगी। अब मैं छोले को 2 मिनट तक ढककर पकाऊंगी। तो 2 मिनट हो गए हैं, छोले चेक कर लेते हैं। छोले और मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं और आप देख सकते हैं छोला गाढ़ा हो गया क्योंकि मैंने जो चने हैं वो थोड़े से इसमें मैश कर दिए थे।
अब मैं इसमें एक कटोरी पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, छोले गाढ़े ही अच्छे लगते हैं। तो पानी को हम अच्छे से पका लेंगे, तो 2 से 3 मिनट और ढक देंगे ताकि जो पानी है वो भी बहुत अच्छे से पक जाए। तो चलिए चेक करते हैं छोले को, पानी से उबाल आने लगा है, मतलब जो पानी है वो पक गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच कसूरी मेथी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। इसको मैं थोड़ा सा रब कर लूँगी और पूरे में ऐसे डाल देंगे। अब जो छोले में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हरी धनिया, बिना हरी धनिया के छोला हमारा अधूरा है। तो अब मैं इसमें डालूँगी हरी धनिया, इन सबको हम अच्छे से चला लेंगे। बनके तैयार है हमारा छोला, तो अब हम इसे ढक कर रख देंगे और फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो छोला रेडी है, अब चलिए भटूरा बनाना स्टार्ट करते हैं। भटूरे का आटा हमारा सेट हो गया है, मैंने सिर्फ इसे 1 घंटा ही रखा था, आप चाहें तो इसे 2 घंटे के लिए रख सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से फूल गया है, तो चलिए इसे बेलना शुरू करते हैं। हाथों में मैंने सूखा मैदा लगाया है, यहाँ मैं एक लोई ले लूँगी, इसको हम अच्छे से गोल कर लेंगे। और मैं इसमें सूखा मैदा लगाऊंगी, आप चाहें तो इसे ऑयल से भी बेल सकते हैं। अब इसे हम गोल बेलते जाएंगे और पतला बेलेंगे। ऐसे ही मैं सारे भटूरे बेल लूंगी। चलिए इसे तलना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों भटूरा तलने के लिए मैंने ऑयल पहले से ही गर्म किया है, अब मैंने जो भटूरा बेल के रखा था उसे हम इसमें तल लेंगे। भटूरे को हम बिल्कुल नहीं दबाएंगे, आप देख सकते हैं भटूरा खुद ब खुद फूल गया है, मैंने इसे जरा सा भी नहीं दबाया है। तो भटूरा एक तरफ से सिक चुका है, इसे अब हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाने देंगे। तो हमारा भटूरा जो है वो अच्छे से दोनों तरफ से सिक चुका है, मैं सब निकाल लूँगी एक साइड करके ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। इसी तरह मैं सारे भटूरे तल लूँगी। तो दोस्तों बनके तैयार हैं अंजू के किचन के छोले भटूरे। अगर आपको मेरे छोले भटूरे की रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद।